अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप भी करें सलाम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? मैं भी ठीक, आप भी ठीक होंगे। मैंने तो अंशा करेंगे अपना समर वर्क, और अंशा इसलिए अपना समर वर्क कलर्स भी करेंगी ना। और आज मेरी YouTube फैमिली को मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं आज अपना मिनी व्लॉग अपलोड करूँगी। अच्छा चलें, अपना मिनी व्लॉग अपलोड करूँगी। उसकी प्रॉब्लम ये है कि मेरे मोबाइल में थोड़ी सी खराबी आ गई है, थोड़ा ख़राब हो गया मोबाइल, इस वजह से आज मैं कोई वीडियो खास अब जी बेटा ब्लॉगर है ना, तो मेरी एक ट्यूशन वाली टीचर ने व्लॉग लिखा है, तो मम्मा बताएं आप क्या लिखा है, कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे। नहीं बेटा, ये तो कुकिंग, शॉपिंग, क्लीनिंग, ये सब कुछ। ऐसे चले चले, अच्छा। आप कलर से स्टार्ट करें ना, कलर स्टार्ट करें। अच्छा, तो मैं आपके साथ फिर यही बात शेयर करना चाहती थी। नहीं मम्मा यार, बात तो में। नहीं बेटा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। अच्छा चले, आप कलर करें ना। तो अच्छा जी, तो बात मसला ये था कि मेरे मोबाइल में हो गया था कोई प्रॉब्लम, और फिर अंशा की बॉडी पे पूरी एलर्जी हो गई थी, इस वजह से मेरा डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट था, लेकिन मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर सकी। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज सारा दिन, बल्कि मेरा बहुत मसरूफ गुजरा। मैं गई थी आज अपनी खाला के घर, उनकी बेटी ने मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर लिए, तो इस वजह से हाँ वो हम इन्वाइट हुए हुए थे, तो आज मैं वहां पे सारा दिन थी। लेकिन मैं आपको के साथ ये चीज जरूर शेयर करती, लेकिन प्रॉब्लम ये थी। आप करें कलर करें, और मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि अंशरा की पूरी बॉडी पे जो एलर्जी थी, अंशरा ने इसीलिए आज सॉफ्ट सॉफ्ट ड्रेस पहना हुआ है एलर्जी तो की वजह से। ये जो मेरे कलर्स हैं, ये वाले, ये मैंने खुद ही अपने किए। चलो ये भी अच्छी बात है। मैं थोड़ा आज मैंने बनाई है बीफ कढ़ाई, कलर किया था जी, तो मैंने आज बनाई है बीफ कढ़ाई। बीफ कढ़ाई बनाने की वजह ये थी कि मेरे हस्बैंड की शॉप पे जो हेल्पर्स काम करते हैं, वो कह रहे थे, उन्होंने आज ख्वाहिश की थी जी कि हमें खानी है बीफ कढ़ाई, तो मैंने वो बनाई। और मैं आपके साथ ज़रूर थोड़ी सी वो कुकिंग की मैंने शूट की थी, वीडियो शूट की थी, तो मैं आपको ज़रूर वो भी दिखाऊंगी। और मैं अब आपको ये दिखाती हूँ कि जिस डॉक्टर के पास मैं गई, अंशा जी बेटा, अब आपको उर्दू की साइड दिखाती हूँ, तो हम उर्दू की साइड। अच्छा चले, मुझे बात तो करने दो, मुझे आपकी मेडिसन दिखाती हूँ ना, फिर आप कलर करेंगी तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगी कौन सी मेडिसन दी। अंशरा का प्रॉब्लम ये था कि उसकी पूरी बॉडी के ऊपर रेड रेड निशान थे, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा खारिश हो रही थी, तो बस इस वजह से मैं अंशरा को डॉक्टर के पास ले गई। मैं आपको दिखाती हूँ कि डॉक्टर, आपको मैं एक दिखाती हूँ, सबको बनाया जाने हर एक माने, वेरी गुड, आम और आड़ू से और सर्दे, वेरी गुड, अंगूर के ऊपर लोशन ही है, बताए ना, दिखाए लोशन, तो मैं आपको दिखाती हूँ लोशन। लोशन अंशा को डॉक्टर ने दी थी, एक टीडे सिरप दिया था और ये दिए, और भी दिखाए शोना बेबी, फाइजा दिखाएं ना बेटा। अंशरा को डॉक्टर ने ये दोनों लोशन दिए, और ये लोशन बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अंशरा को फर्क पड़ा, और जो पेन था वो थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह रिलीफ मिला। बहुत अच्छे डॉक्टर थे, लेकिन ऐसे आप ये मेडिसिन दे के कभी भी डॉक्टर के रिकमेंड किए बगैर आप कोई भी ऐसी मेडिसिन प्लीज यूज ना करें। हाँ वैसे नाम दिखा दें, हाई वेट है और एमलिन, एमलिन एसआर लोशन। गाइस आपने अपने डॉक्टर के पास बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि आप ये जब भी आपको एलर्जी हो, उनको स्केट नहीं होना, सबसे पहले आपने जाना है डॉक्टर के पास, उन्होंने के ये लेना है। हाँ जी, और ये आप लगाए तो एक सेकंड में छुटकियों में हो जाएगा। ओ, मेरा प्यारा बेबी, इतनी अच्छी अच्छी बातें, सब्सक्राइब ये जो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब आगे दिखाते आपको, आप कलर कर लेते हैं, बाद में दिखा चलें, कलर भी स्टार्ट करें। चलें जी, और अब अल्लाह हाफिज भी तो कहना है ना इनको। हाँ मैं बाद में कह दूंगी अल्लाह हाफिज, अब मैं दूसरी चीज दिखाती हूँ। जी तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बनाने लगी हूँ बीफ। बीफ था 2 किलो,
और जल्दी से मैंने पहले यही कुकर के अंदर सारी चीज़ें डाल के मैंने ऑयल के अंदर पहले ही इसकी भुनाई कर ली थी। एंड में जाके मैंने इसे बड़े बर्तन में शिफ्ट किया है कि ताकि ज़रा अच्छा सा बने। आप देख सकते हैं साथ बीफ है, लेकिन बच्चों ने खाना नहीं खाना, उन्होंने यही नूडल्स ही खाने हैं। यहाँ से हम फ्री हुए तो ये देखे मैंने अंशा को लेके दी है बोतल, बच्चा पार्टी से वाटर बोतल लेके दी है और ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव मिली है। बस जी यहाँ से बच्चे जब ज़िद करें तो फिर आपको पता है कि ये पीछे जी कैमरा शाय लोग भी हैं, इन्हें अवॉइड करें जी। तो ये हम आए हैं दावत पे, मुझे दे इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।